दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह के 7:15 और मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ बस स्टॉप पे और नज़ारा कुछ ऐसा है सुबह का। अब आप सोच रहे होंगे कि रात में तो ये होटल ढूंढना था और कैसे पहुँच गया चंडीगढ़ इतना जल्दी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने बताया था पहले कि मेरे घर से फ़ोन आ रहे कि भाई वापस आ जा, तो फिर से फ़ोन आ रहे थे और जो हरियाणवी बॉयज़ थे हमारे साथ उनका भी मन बदल गया, वो भी अपने घर पे निकल लिए। फिर मैंने भी बोला मैं क्या करूँ, मैं भी अपने घर पे निकल लेता हूँ। तो मैं बस पकड़ा वहाँ से और सुबह मेरे को बस यहाँ पे 6:40 के आसपास यहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे फ्रेश व्रेश हुआ और उस टाइम मैं देख रहा था टिकट ट्रेन का, अगर अवेलेबल हो तो मैं ट्रेन से चला जाता, लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं पता रहा। चंडीगढ़ से मुझे लुधियाना जाना पड़ता, लुधियाना से भी अवेलेबल नहीं पता रहता और मुझे जल्दी पहुँचना था थोड़ा, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था वो बता नहीं सकता मैं। तो बात अब ये हो गया कि मुझे पहुंचना है वहाँ पे 11 तारीख तक। आज है 9 तारीख, 9, 10, 11, मतलब 3 दिन में मुझे वहाँ पे कैसे भी पहुंचना है, क्योंकि जिसका मैंने गोप्रो लिया है मेरे दोस्त को जाने कहीं घूमने के लिए, तो भाई उसका सामान उनको देना ज़रूरी है। और थैंक्स टू आजिस सर जिन्होंने अपना गोप्रो दिया, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, उनके वजह से ये ट्रिप पूरा हो पाया है, नहीं तो ये ट्रिप होता नहीं। वैसे भी मेरा प्लान 8 तारीख तक ही था घूमने का, इसलिए अभी मुझे निकलना पड़ रहा है गोप्रो पहुंचाने के लिए, नहीं तो मैं और घूम लेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पे मेरे टोटल ट्रिप का मैं खर्च बता दूँ, टोटल ट्रिप का मेरा खर्च हुआ यहाँ पे 3,000 रुपये, पूरी तरह से 3,000 रुपये। अभी मेरे जेब में 1 रुपये तक नहीं है, पूरा नील हूँ मैं। तो फिर मैं तो सोच रहा था ट्रेन से चला जाऊँ, लेकिन अब मन बदल गया, अब मैं ट्रेन से ना मैं हिचाई करके मुंबई जाऊँगा, जो कि यहाँ से पड़ रहा है 1600 किलोमीटर के आसपास। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हिचाई करके जाऊँ, जो कि एक एडवेंचर भी हो जाएगा, मज़ा भी हो जाएगा। ट्रेन से जाऊँगा बोरिंग का, बैठे बैठे जैसे आया था वैसे ही, तो बोला भाई नहीं है अब हिचाई करके जाऊँगा, क्योंकि सारे पैसे मैंने दे दिया, जो कि वहाँ से बस आया था मैं चंडीगढ़ से, जो चंडीगढ़ के लिए जो मैंने बस पकड़ा था मनाली से, वहाँ पे मेरे 660 रुपये लग रहे थे भाड़ा, लेकिन मेरे पास उस टाइम था 620 रुपये। तो 620 रुपये मैंने उनको दिया, उन्होंने कहीं बीच में से टिकट बना के दिया जहाँ से 620 का टिकट बन रहा था। ठीक है, फिर अब चलते हिचाई करने का ट्राई करते सुबह सुबह। तो ये मैं आ गया अब रोड पे, और भाई रोड क्या बनाया है चंडीगढ़ में देख रहे हो, इतने बड़े बड़े रोड है यहाँ पे, और रोड के दोनों साइड में पेड़ है, और भाई बिल्डिंग भी अच्छे अच्छे बनाए, छोटे छोटे टाइप के, एकदम सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया है, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुंबई से भी अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, कितने दूर तक ऐसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया गया जो भी बनाया है। और इलेक्ट्रिक बस जो यहाँ पे चल रहा है, एक लेवल का चल रहा है इलेक्ट्रिक बस, डिज़ाइन भी उसके अच्छे हैं। और मुझे जाना है अभी सीधे फ़िलहाल, और आगे से लॉरी चालू होगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई गाड़ी जा नहीं रही है ज़्यादा। गूगल मैप पे बता रहा है आगे जाके लेफ़्ट लेना है, फिर जाना है, फिर लेफ़्ट लेना है, तो वहाँ से तुम्हें हो सके लॉरी वोरी दिखना चालू हो जाए। यहाँ तो फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, बस 4-व्हीलर जा रही है, जो कि उसमें जल्दी लिफ्ट मिलता नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं मांगने का। गूगल मैप ने यहाँ पे मुझे धोखा दे दिया है, मेरे को रास्ता दिखा दिया था लंबा रूट वाला, जो कि वहाँ पे ट्रक कम चलता है, जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से सीधा जाता तो फिर ट्रक बहुत सारे मिलते, क्योंकि वो मेन हाईवे था, और ये छोटा लोकल रोड है यहाँ का। गूगल भी क्या काम करता है यार। और भाई एक और चीज़ मैंने यहाँ पर गौर किया कि यहाँ पर साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक दिया हुआ है, ये देखो बीच में ये वाला जो है साइकिलिंग के लिए ट्रैक है, ये आगे तक गया है फिर थोड़ी देर में उतार दिया गया है, अच्छा काम हुआ है मतलब यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, 1 किलोमीटर कम से कम मैं चल के आ गया रहूँगा, और फिर 1 किलोमीटर मुझे पीछे जाना है, परेशान। कम से कम मैं बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, और बीच में मुझे 1-2 किलोमीटर के 3 लिफ्ट मिले थे, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, छोटे छोटे लिफ्ट थे। और भाई यहाँ तक आ गया हूँ मैं, फिर भी यहाँ पे कोई ट्रक नहीं दिख रहा है, ना ही टेम्पो दिख रहा है जल्दी, छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही और कार दिख रहे, जो कि इसमें लिफ्ट जल्दी मिलते नहीं है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है फिलहाल, पता नहीं ट्रक कहाँ से मिलना स्टार्ट होंगे, मुझे एक भी ट्रक नहीं दिखा अभी तक यहाँ पे, और पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। और मौसम भी ख़राब हो गया यहाँ पे लगातार, मेरे को पता चला यहाँ पे 3 दिन से बारिश चल रही है, और आज तो वेदर में साफ दिखा रहा है मोबाइल पर, लेकिन पता नहीं अब फिर भी टिप टिप बूंदा बारिश हो रही है। देखते अब भाई सीधा लिफ्ट मिल जाए कहीं दिल्ली तक की, ट्राई कर रहे पहले दिल्ली तक का लिफ्ट मांगते। और मैं 2 किलोमीटर आगे चल के आ गया, लेकिन यहाँ लिफ्ट मिल ही नहीं रहा है, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। अब मैं आगे नहीं चलूँगा, अब मैं इधर पे ही
खड़े हो जाऊंगा और खड़े होके लिख लाऊंगा भाई। कोई तो दे दो, देखो इससे आ रहा है, इससे मांग दो। यार कोई नहीं रोक रहा है, कोई रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहा, देख भी नहीं रहे, चले जा रहे चुपचाप, पता नहीं क्या सी नील लोगा। मेरे ख्याल से मुझे वो साइड जाना चाहिए क्योंकि जो ट्रक है, टेम्पो है, वो साइड से निकल जा रहे वहाँ से, लेकिन चलने का रास्ता नहीं है, देखता हूँ वहीं जाता हूँ। तो ये अपनी एंट्री हो गई है पंजाब में, और 1 किलोमीटर का मुझे यहाँ पे लिफ्ट मिला था, बाइक वाले ने दिया था पंजाब में। अब देखते हैं इनसे मांगते, ये हाईवे सीधा चले जाएगा दिल्ली अम्बाला साइड में, अगर ये धीरे धीरे अपने को तो ठीक है। रुके, अब उनका फ़ोन आया था। तो सर जी कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं? हाँ के उस पास। कितना जाना आपने? मेरे जो आगे ही जाना है, छोड़ देंगे मुझे, दिल्ली जाना है। दिल्ली के लिए बसें तो आपको आगे से मिलेगा। तो सर जी ने मुझे यहाँ पे 3 किलोमीटर का लिफ्ट दिया था, जो ब्रिज था पूरा पार कराया था, और पूरा ब्रिज का जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर था। और पंजाब में यार बहुत जोर से बारिश हो रही है, चंडीगढ़ में तो हल्की हल्की पड़ रही थी, यहाँ जोर से हो रही है बारिश। और गाड़ी देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रही है, समझ नहीं रहा हाथ कैसे दिखाओ। एक तो यहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है, और ट्रकें जो है वो साइड से निकल जाती है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल तो। दिल्ली तक मुश्किल ही रहेगा मुझे लग रहा है, दिल्ली के बाद जल्दी जल्दी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर हो सके बारिश ना होती हो दिल्ली के बाद, दिल्ली तक तो होती रहेगी बारिश। पंजाब से मेरे को पहले निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी, यहाँ से अम्बाला जो बच गया वो 37 किलोमीटर है, जल्दी निकल जाए भाई अच्छी से। चलते चलते सुबह के 10:30 हो गए, मुझे लग रहा है मैं कम से कम 10-12 किलोमीटर पैदल चल दिया रहूँगा, लेकिन यहाँ पे कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या सीन। आज संडे लॉकडाउन है लेकिन गाड़ी तो चल रही है यार, कोई रुकने कोई तैयार नहीं। मुझे लगा पंजाब में हूँ, सरदार लोग रहेंगे और जल्दी लिफ्ट मिल जाएगी, मतलब हेल्पफुल रहते उन लोग, ऐसा सुना था मैंने, अब पता नहीं क्या हो गया। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ से चैलेंज लेके गलती कर दिया, ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ले लिया तो भाई कंप्लीट तो करूँगा ही पूरा कैसे भी करके। कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं है, 60 में निकल रही है, एकदम स्पीड में चला रहे सब, जुप करके गाड़ी जा रही है, ये देख रहे हो, देखो एकदम स्पीड में गाड़ी निकल जा रही है। ओह कोई तो आ जाए यार, पता नहीं क्यों नहीं रोक रहे यहाँ पे ट्रक वाले भी। तमिलनाडु में तो यार हर 5 मिनट में लिफ्ट मिल जा रहा था, मुझे लगा था यहाँ पे और जल्दी मिल जाएंगे सरदार लोग की वजह से, लेकिन यहाँ के सरदार लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। इन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही रोका ना ही कुछ बोला, देखते तक नहीं यार यहाँ पे, तो आगे आगे बस चलते रहते, आगे देखते क्या मतलब क्या होगा कैसे मिलेगा। 10:30 हो गया यार अभी तक, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे ट्रकें बहुत कम चल रहे हैं, ऊपर से हाईवे 152 NH 152 फिर भी नहीं यहाँ पे मिल रहा है। तो भाई ये हमें यहाँ पे लिफ्ट मिल गया है अम्बाला तक। अम्बाला कितना किलोमीटर है सर जी वैसे? है यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सर तो वैसे जा रहे करना, लेकिन मेरे पास हेलमेट निकल के नहीं ले जा रहे, फिर भी अम्बाला 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक का वैसे लिफ्ट मिला अम्बाला तक का, और बुलेट पर जाने वाला फिलहाल। सर जी का ये टूट गया था लॉक, अभी चलते चलते तो टेप ऑफ लगाए, अभी चलते फिर। वैसे नाम क्या सर जी आपका? नाम दीपक नाम है सर जी का। चलते अब इनके साथ 40 किलोमीटर का सफ़र। तो भाई अभी टाइम हो गया 12:08, और मैं यहाँ पे बैठा था कब से, जहाँ पे खड़ा था पहले से ही चाय पी रहे थे, और बारिश आने रही थी, सर जी रुके थे बारिश जाने के लिए, और मेरे साथ यहाँ पे एक हो गया चमत्कार, मुझे लिफ्ट मिल गया सीधा दिल्ली के लिए, और वो भाई ने दिया, मिलाता हूँ अभी उनसे जाकर। और सर जी यहाँ पे बैठ के थोड़ा बारिश का वेट करेंगे, पता नहीं बारिश आई कब बंद होगी। अब मोबाइल में तो दिखा रहा था 12 बजे बंद हो जाएगी, और मौसम क्लियर है लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई। चलो मेरा तो काम हो गया, सर जी चलते फिर, चलते हैं। चलो सर जी, तो भाई निकलते हैं अब हम। ओए
चल जी। तो भाई ये इधर अपनी गाड़ी और भाई छोड़ेंगे अपने को दिल्ली के लिए। ये गाड़ी है भाई, तो ये कुछ गाड़ी रहेगी अपनी हरियाणा। सो अभी टाइम हो रहा है 5 PM और मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली। दिल्ली है ना, कौन सा जगह है ये दिल्ली का? ये एयरपोर्ट है ना, दिल्ली के एयरपोर्ट के बाजू में। और लिफ्ट मिला था मेरे को 200 किलोमीटर के आसपास का। उतर रहा हूँ मैं अभी। थैंक यू भाई, रुक जाओ अभी निकाल लूँ सामान पहले। खुलना पीछे का भाई। चलो भाई बाय। थैंक यू सर जी। सर जी अभी मुझे जाना है अजमेर के लिए, लिफ्ट मांगना है, तो अजमेर की लिफ्ट यहाँ से मिलेगी मुझे। तो अजमेर के लिए वो वाली हाईवे नहीं जा रहे थे, आगे से जाके मेरे को राइट लेना पड़ेगा। NH 8 हाईवे बोला नाम लोगों ने, और यार गूगल मैप कुछ अलग ही बताता है, पता नहीं क्या सीन है इसका। लोग बोल रहे हैं वहाँ से जाएंगे, गूगल मैप बोलता है यहाँ से भी चले जाएंगे। अब लोकल लोग का ही सुन लेते, नहीं तो चंडीगढ़ जैसा सीन हो जाएगा। अब देखते हैं इस टाइम लिफ्ट मिल पाता है कि नहीं, तो हो सके तो मुझे इधर ही इधर स्टे करना पड़ेगा। और ये जो है रास्ता है ये सीधा जाएगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और ये जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं बीच में फंस गया हूँ यहाँ पे, फंस गया नहीं बोल सकते, मतलब बीच में हूँ, पॉश एरिया है बोल सकते हैं। कोई जगह भी नहीं दिख रहा मुझे, खाली सा। और आज तो यार यहाँ पे दिल्ली में सैटरडे संडे लॉकडाउन चल रहा है, कोई दुकानें भी नहीं खुली यहाँ पे। देख रहे हो रोड कितने खाली जा रहे हो, वैसे सिर्फ टैक्सी और थोड़े बहुत गाड़ी चल रही है, पब्लिक तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं आ गया अपने सही जगह पे जहाँ से मुझे लिफ्ट मिल जाए। और भाई दिल्ली में मास्क लगा के रखना, नहीं तो फाइन कटता है मजबूत वाला। हाँ लेकिन अभी क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे लग गया है 5 PM तक का नो एंट्री। पता नहीं कौन सा नो एंट्री है, कि गाड़ी अंदर नहीं आएगी बाहर नहीं आएगी ऐसा कुछ बात है। तो जितनी भी गाड़ी अभी ट्रकों रखे वो 11 PM चलना चालू होगी। कुछ कुछ चल रही है फिलहाल, पता नहीं कहाँ जा रही है। अभी मैंने सिर्फ एक ही बार हाथ दिखाया रुकने के, लेकिन रुकाने अब ट्राई करेंगे पूरी तरह से ही जाएगी। कोई रुक गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से 11 PM मुझे ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है मिल जाएगा, बहुत गाड़ी चल रही है ये देखो, लेकिन स्पीड में निकल जा रही बहुत तेज। और ये है मेरे पीछे मिलिट्री एरिया, यहाँ पे मिलिट्री वाले लोग रहते हैं दिल्ली में। भाई कितना बड़ा एरिया दिया यार, ग्राउंड देखो कितना बड़ा है, पता नहीं इसमें तो नहीं दिख रहा रहेगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है यार इन लोगों का। चलो यहाँ बंद करते हैं कैमरा, नहीं तो ये मिलिट्री वाले भाई कुछ अलग समझ के मुझे उठा ले जाएंगे। और यार मुझे पता नहीं कि मैं ये वीडियो डालूंगा अभी कि नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे मेमोरी बस स्पेस बच गया, 30 मिनट का और वीडियो बन पाएगा। और पता नहीं मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया है। जैसे तोश गया था बिना ऐसे ही, मतलब मन बन के चल दिया, वैसे ही भी कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ये तो पता नहीं क्या आइडिया है कि चलो ऐसे चलते। भाई ये मुझे लिफ्ट मिल गई है यहाँ पे ट्रक में, और टोटल लिफ्ट मिली मेरे को 50 किलोमीटर तक की यहाँ पे, बिलासपुर है गुड़गांव से भी आगे। वहाँ से कितना 70 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई भाई, और भाई ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नाम बता दो भाई वैसे अपना। हाँ अपना बता दो भाई। जितेंद्र। कहाँ से हो वैसे तुम लोग? यूपी। यूपी से भाई, हम भी यूपी से, गोरखपुर से। तुम कहाँ से? बरेली। बरेली से, वाह वाह, ठीक है फिर हम मिलते हैं आपको। मैं नज़ारे नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है, और पता नहीं मैं यूट्यूब पे डालूंगा भी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा रहेगा देख लेना भाई। ये बस मैं अपने मन से कर रहा हूँ भाई। रात के साथ और मुझे लिफ्ट मिल गई है।
अब 200 किलोमीटर तक है ना सर जी यहाँ से, 200 किलोमीटर तक की मुझे लिफ्ट मिल गई है फिलहाल, और सर जी ने दिया। वैसे नाम क्या सर जी आपका? हाँ विनोद नाम है सर जी का, बहुत अच्छे इंसान है वैसे तो, क्योंकि कोई रोक नहीं रहा था यार, आधे घंटे से मैं लिफ्ट मांग रहा था यहाँ पे, कोई नहीं रोका, लेकिन सर जी ने बड़ा आज रोक दिया। थैंक यू सर जी।